हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बनाने वाली हूँ रूही और सोफू की डिमांड पे गोला, ऐसे जूसने वाला मीठा मीठा, तो वो घर बनाएंगे। ओके, और आप लोग बोलो बहुत खाती है इतना नहीं यार जूसने का, खाने पीने का ऐसे तो कुछ कर ही सकते हैं। ओके, और तो फिर आज गोला बनाऊंगी और अभी देखो रूही चावल खाऊंगी और मम्मी ने आज मस्त चावल और छोले बनाए टेस्टी टेस्टी, और तो दही के साथ, और तो वो खाती हूँ। ओके, ये देखो मेरे छोले चावल दही, और इधर ये आरती कर रही है देखो अपने कपड़ों के प्रेस, बिकॉज छुट्टी है तो सारे कपड़े एक ही साथ कर रही है ना। और ये सारी ड्रेसेस गेस करो किस लिए है, मैं अपना वो खुद की सिली हुई ड्रेस का हॉल बनाने वाली हूँ, हॉल वीडियो, तो उसी के लिए ये प्रेस के लिए निकाली हुई है। मतलब मोटा मोटा प्रेस कर लेंगे, इतनी सारी ड्रेसेस के एक साथ तो नहीं होगा। और मैं आपको मिलती हूँ खाना खाने के बाद। और गाइज, अब हम जो गोला बनाएंगे उसके लिए सिर्फ तैयार कर लेते हैं, जो कि चाशनी की तरीके से ही बनेगा, बट उसके अंदर हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। और तो चलो वो बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है सिरप के लिए, जो ऊपर कलर डालते हैं ना शरबत, वही। और पहले इसको गैस पे रख, बस इतना पानी, जितनी चीनी ली है उतना ही पानी ले लेते हैं, ठीक है। तो गाइस, तो देखिए ये रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर ये खाने का कलर डाल देंगे थोड़ा सा, तो गाइस देखिए रूही आ चुकी है स्कूल से। और ये देखो उसने क्या लगा, ब्लड डोनेट करके आई है। हाँ, मैंने आज ब्लड डोनेट किया है। और तो जस्ट किडिंग यार, ये किसी ने नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। तो वही वो तो करता रहता, उसने बहुत टाइम कर दिया, शायद 10 टाइम तो कर चुका है वो ब्लड डोनेट। और ये रहा उसका, ये देखिए ये रहा उसका सर्टिफिकेट ब्लड डोनेट का, और ये उसके फ्रेंड का है, तो दोनों करके आए होंगे। और इसी के पास है, वो कहीं चला गया होगा या फिर, है ना। और अच्छी बात है, ये हमेशा करता ही रहता है ऐसे। और जो ये करते हैं ना, हाँ, जो ये जो संस्था है हरियाणा राज्य रक्त संचरण परिषद, हरियाणा राज्य रक्त संचरण परिषद जो है ये, तो ये हमारी ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज नहीं हो, तो यहाँ के एक प्रोफेसर है, तो वो कैसे खून से, वो मतलब बहुत सारी है उनके, मतलब वो सिर्फ ओनली आर्मी होती है ना, आर्मी के लिए ये ब्लड डोनेशन का कैंप लगाते हैं, तो उन्हीं आर्मी कैंप में जाता है ये सारा ब्लड। और तो अच्छी बात है ना, तो इसमें ये हमेशा करता ही रहता है आकाश। गाइस एक बोतल देख के आते हैं, हाँ। और गाइस तो चलो करते हैं स्टार्ट हम ये बनाना। और देखिए मैंने सारा सामान भी ला के रख लिया है, ये री बर्फ हमारी जिससे ये बनेगी, ये बिल्कुल देखो पानी लग रहा ना, ये क्रिस्टल बर्फ जमी है, बिल्कुल क्रिस्टल वाली, पता नहीं कैसे। और ये मैंने सिरप बनाया वो चाशनी से, और ये इसके अंदर हमने रूह अफजा डाल लिया, और ये अपना कद्दूकस जिससे होएगा। तो गाइज मैं कैमरा सेट करने गई इतनी देर में, तो इसने ये देखो क्या, और ये हमारा वो पड़ी है देखो, बर्फ कैसी जमी है यार, पानी पानी है इसके अंदर, बिकॉज शायद लाइट चली गई थी, तो अब आज इसके अंदर डाल के फूट के बनाना पड़ेगा, वरना तो हम पहले कभी कुछ करने वाले थे, अब इसकी जरूरत नहीं है। और हुई जब वो निकाल के लिया आइस क्यूब, तो गाइज ये बर्फ इसके अंदर डाल ली है, कद्दूकस करने में टाइम भी लग जाएगा। और हाँ, और इससे ये हथौड़ी से मारेंगे इसको, नहीं होता, नहीं होती यार, रूई एक पत्थर है, वो मसाले पीसने वाला, वो लेके आती हूँ उससे ना, होती है।
चलना रोहित का, ठीक है? रुक जा एक बार, रुक जा, ये उड़ाना नहीं तेरे। ये डाल दी मैंने आइसक्रीम स्टिक के अंदर, हमारे पास गोल वाली नहीं है, यही है गोले के अंदर, तो गोल वाली होती है ना। ऐसे करते हैं ना, ओह माय गॉड बन गया। अब जो हमने ये सिरप बनाया है वो रूह अफजा बोलो, बस ये स्टिक ना निकले और तो मस्त लग रहा है। मेरे को देना यार, बिल्कुल रियली गोला है ये, जैसे मार्केट में मिलता है ना वो वाला। जा गिलास ही लेके आ दूसरी, उसके अंदर डाल के उसमें डबोडबो के खाएंगे। यार यम्मी, इतना यम्मी है। हम लोग ट्राई करना, मैं तो हमेशा यार प्रो हूँ। गिलास सी छोटी गिलास ही मिला मुझे यार, ये भी लड़की भी ना पहले एक यार, बट इसके अंदर ना ये रस अटक नहीं रहा। ये ले तेरे को एक और बना के देती हूँ, ठीक है? ये फटाफट ये जूस देख, ट्राई करके तो देखना। अब मैं फटाफट फोड़ के दूँ क्या? खुद बना रही है नीचे बैठ के, नीचे आराम से जो ये स्लाइस है ना, ये तो आराम से मतलब मस्त हो रही है, बस पूरा हो रहा है। कहते ना आए 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 मजे। वाओ रूही ने कितना अच्छा बनाया, उसमें ज्यादा डल गया, बहुत ज्यादा टाइट कर, वापस निकाली इसमें कलर। मैं ये देखो वेज बहुत गंदा हो गया, मम्मी मारेगी तूने ना, उसको खोखला छोड़ दिया था मेरे को लग रहा। मेरा बस सुना था, ओ बिस्कुट टोल पे सारा कलर निकाल दिया पागल लड़की। मैं तो चम्मच से खा रही हूँ मेरी भी। गाइस देखिए ये रही बर्फ, ये हम पड़ोस में सामने भाभी उनसे ले आए, रूही ले आई जाके। और वाओ कितनी सुंदर, ये देखो ये डिजाइन, मतलब ये डिजाइन है ना जो इसमें डोंगे में जो बने हुए हैं ये ही बन गए। अब इसको करते हैं खात्मा। अब एक साथ दो बना लेंगे है ना गाइस, देखो आपको ना ओके, अब वो चीज मारने की प्रैक्टिस ना गाइस, अब कद्दूकस नहीं कर सकती क्यों, अब ना इसमें मजे आ रहे हैं, कद्दूकस करने में टाइम लग जाएगा और शायद मेल्ट भी हो सकती है ना चीजें में। नहीं ये वाले नहीं। ये डालने बना सेम बना, समझदार में मिलता है गोला।
मम्मी ने बोला था बाहर की चीज नहीं खानी, पर मम्मी ने ऐसे तो नहीं बोला था घर पे बाहर वाली चीज घर पे बना के नहीं खानी। ये होता है होशियार बच्चे, जो बाहर चीजें मिलती है ना वो हम घर पे ही बना लेते हैं। तो रूही कैसा लगा गोला खा के? गाइस मजा ही आ गया। अंदर का था, अंदर का घर का, पर डॉक्टर ने मना कर रहा है बाहर की चीज खाने से। घर पे तो बना सकते हैं ना, घर की चीज तो खा सकते हैं ना। घर पे बना हुआ गोला था वो बाहर का नहीं है। और वो जो हमने चाशनी वो भी घर पे बनाई थी। हाँ मैंने दिखा दी थी ना बनी हुई, तू तब स्कूल में थी ना, मैंने उसी टाइम बना दी थी पहले ही। मेरे को लगा आएगी तब तक ठंडी हो जाएगी, गर्म डालेंगे तो बर्फ तो मेल्ट हो जाएगी ना, तो वो ठंडी होगी थी उसके बाद डाले ना इतनी देर में। और देखो आज मैंने ये पग पहनाई है, कानों को कितनी अच्छी लग रही है ना ये वाली ड्रेस, और ये ड्रेस भी मैंने सिली हुई है, और तो मजा ही आ गया। तो आई होप यू गाइस आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करना, जो कि इस कलर का है बटन रेड कलर का, तो उस पर क्लिक कर देना ओके, और बेल आइकन भी दबा सकते हो अगर आपका मन हो तो। आपको मैजिक देखना है ना, ग्रे कलर का होगा एक बटन ऐसे नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, रोजी रोजी ये बातें नहीं बनती। अगर आप उसे ऐसे दबाओगे तो उसे वो ना रेड हो जाएगा, और वो ऐसे लाइक का बटन होगा वो भी ग्रे होगा। अगर आप उसे रेड को ना रेड को रेड बटन को दबाना उसको ग्रे करना है, ग्रे को रेड नहीं बनाना ओके। इसने उल्टा बोला ओके ओके बाय, जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।